किताब लिख करके चाहता है कि वो अजमत मुस्तफ़ा को घटा लेगा, उस जलील को मालूम नहीं सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी और सैकड़ों फिनार हो गए, आज भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज गूंज रही है। इसके साथ एक नारा और होना चाहिए और वो है बर वसीम रुश्दी लानत लानत के। कुरान का वादा है वराफाना लका जिक्रक, ऐ मुस्तफा मैंने आपके जिक्र को बुलंद किया। यही बात तो कमबख्त वसीम रिजवी को समझ में नहीं आ रही है कि यजीद इतना इख्तदार रख करके जब मुस्तफा का की शान को कम नहीं कर सका तो ये जलील दूसरों की चमचागिरी करके शान मुस्तफा को क्या कम कर लेगा, क्या कम कर लेगा यार। इसके साथ एक नारा और होना चाहिए और वो है बर वसीम रुश्दी लाना लानत। और करें आप, अगर मीडिया के ऊपर जो मेहनत कर रहा हूं और ये बात पहुंचा सका तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तफा की शख्सियत को घटाना चाहता है, है? किसी के साथ खड़ा हो करके सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट दे करके अजमत दीन और अजमत मुस्तफा को घटाना चाहता है, तवज्जो है? या एक किताब लिख करके चाहता है कि वो अजमत मुस्तफ़ा को घटा लेगा, उस जलील को मालूम नहीं सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी और सैकड़ों फिनार हो गए, आज भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ गूंज रही है। कोई इस आवाज़ को घटा नहीं सकता, इसलिए कि कुरान का वादा है वराफाना लका जिक्रक, ऐ मुस्तफ़ा मैंने आपके जिक्र को बुलंद किया। बर अजमत मुस्तफ़ा बुलंद तरीन सलवात। यजीद ने भी हमला दो जगह पे किया था, एक अजमत मुस्तफ़ा पर और दूसरे कुरान पर, इसीलिए कि यही मरकज़ दीन है।